हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में एंड टैक्सोनॉमी के बेसिस बोल सकते हैं हम या फिर लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। जो हमारा पेपर है बीएससी सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का, जिसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एस्थेटिक फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं फ्लावर्स के, यानी कि फूल फूल के जो पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधों की पहचान और उनकी सौंदर्य संबंधी विशेषताएं, ये हमारे पेपर का नाम है, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी। एंड यहाँ पे टैक्सोनॉमी का जो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होते हैं वो फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी वर्ड जो है ये ग्रीक डिराइव्ड वर्ड है, जिसमें टैक्सिस प्लस नोमोस से ये मिलके बना हुआ है। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मीनिंग होता है लॉज और रूल्स, यानी यहाँ पे अरेंजमेंट होता है कुछ लॉज या फिर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। किस चीज़ का अरेंजमेंट होता है? तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं लिविंग बींग्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो टैक्सोनॉमी को आधारों, सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स और रूल्स, प्रतिक्रियाओं सहित इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान के रूप में जो प्रोसीजर्स हैं इनको परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमी क्या होती है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स एंड कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको मिलाकर क्लासिफिकेशन की जाती है, और इसी से संबंधित जो विज्ञान है उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। या तो पौधों, जानवरों या अन्य जीवों की पहचान के लिए, उनके नेमिंग के लिए और उनके क्लासिफाइंग का विज्ञान जो होता है इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी सिंपली क्या है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसका नोमनक्लेचर किया जाता है एंड देन क्लासिफिकेशन की जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं कुछ हमारे पास लॉज एंड रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी होती है। जो टर्म टैक्सोनॉमी है ये कॉइन की थी पहली बार, ये जो है ये खोजी गई थी एपीडी कैंडोले ने, ठीक है। एपीडी कैंडोले ने ये टर्म कॉइन की थी। इसके अलावा कैरोलस लीनियस जो है इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है एंड फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, इसके लिए भी एक अलग साइंटिस्ट है। मेनली जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम यही पढ़ते हैं कि कैरोलस लीनियस होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर कौन से, यानी कि वो साइंटिस्ट जिनका या फिर बोटनिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन जो फ्लोरा है उसके अंदर ज्यादा रहा होगा। तो इसमें ये साइंटिस्ट है हर्मेनेजिल्ड संतपाऊ। ये जो साइंटिस्ट है ये थे 1932-1970 एंड ये एक स्पेनिश बोर्न थे साइंटिस्ट, लेकिन ये इंडियन थे। एंड इन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल रिसर्च किए इंडियन फ्लोरा के ऊपर, ठीक है। इंडियन फ्लोरा के ऊपर बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल रिसर्च किए। इसके अलावा बहुत सारे जो लेटिन नोमेनक्लेचर होते हैं इंडियन प्लांट स्पीसीज का, उसके लिए भी इनको इन साइंटिस्ट को जाना जाता है। तो ये फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है। तो सिंपली टैक्सोनॉमी क्या होती है कि कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं जिनको मिलाकर क्लासिफिकेशन की जाती है। या तो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना, नेमिंग करना, क्लासिफिकेशन करना ही टैक्सोनॉमी होता है। टर्म टैक्सोनॉमी एपीडी कैंडोले ने डिस्कवर की थी। इसके अलावा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हर्मेनेजिल्ड संतपाऊ को बोला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट होते हैं टैक्सोनॉमी के, एंड टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। कई बार ये डिस्क्रिप्शन पहले दिया होता है, तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उस स्पीसीज को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे एंड उसके सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स या फिर कंपोनेंट होते हैं टैक्सोनॉमी के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म आती है, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होती है? देखो, पहले तो टेक्सोनोमी आया था, टेक्सोनोमी के बाद ये इन यहाँ हमने क्लासिफिकेशन तक कर लिया था। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन कर की, जैसे कि कुछ स्पीसीज जो थी उनकी क्लासिफिकेशन हुई, तो इस स्पीसीज के बीच में और कोई और स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो हम सिस्टमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सिस्टमेटिक्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नोमेनक्लेचर तक तो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फाइलोजेनी। तो यहाँ पे फाइलोजेनी एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है। फाइलोजेनी क्या होती है, जो स्टडीज होती है, जो हम बोल सकते हैं कि डिसेंडेंट्स की स्टडी है, फिर जो हिस्टोरिकल स्टडीज है कि कैसे ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये फाइलोजेनी होती है। तो ये हो गए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनोमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आते हैं, एंड सिस्टमेटिक्स के अंदर फाइलोजेनी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर जैसे कि टैक्सोनॉमी, माइक्रो टैक्सोनॉमी हो सकती है, मैक्रो टैक्सोनॉमी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा हो सकती है, क्लासिकल हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, बायोकेमिकल हो सकती है, साइटो टैक्सोनॉमी हो सकती है। अब इन सारी टाइप की टैक्सोनॉमीज को हम लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे फर्स्ट आता है अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी, ये जो अल्फा टैक्सोनॉमी होती है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जीवों को परिभाषित करने एवं उनके नामकरण करने का विज्ञान ये होती है, ठीक है। अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सिंपली जो भी वहां पे जीव पाए जा रहे हैं उनको डिफाइन करना है, उनकी नेमिंग करनी है। इसके अलावा इस स्टेज के ऊपर जो प्रजातियों की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो की जाती है, ठीक है, स्पीसीज की, यानी प्रजाति, यानी स्पीसीज की पहचान की जाती है। और किस बेसिस पे पहचान की जाती है, कुछ रूपात्मक विशेषता, इनकी ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए जाते हैं जिनके बेसिस पे इनकी पहचान की जाती है। तो अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, स्पीसीज की पहचान की जाती है और ये उनकी ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे होती है। इसके बाद सेकंड टाइप की आती है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो हमने देखा कि एक टैक्सा की बात थी या फिर एक टैक्सोन की बात थी। जैसे यहाँ पे देखें, ये साइट ए है, साइट बी है, साइट सी है। इन तीनों साइट्स के अंदर यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे ये अलग अलग स्पीसीज, ये जो अलग अलग शेप हमें दिखाई जा रही है, ये अलग अलग शेप रिप्रेजेंट कर रही है कि अलग अलग स्पीसीज है। यहाँ पे ये साइट बी के अंदर स्पीसीज है, ये साइट सी के अंदर स्पीसीज है। अब अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर हमने सिर्फ एक टैक्सोन की बात की थी। बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे टैक्सोन में संबंध, यानी जो टैक्सा है, अलग अलग टैक्सा है, अलग अलग टैक्सोन है, एक टैक्सोन ये हो गया, सेकंड टैक्सोन ये हो गया, इनके बीच के अंदर क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो इस स्टेज के अंदर जो स्पीसीज को निम्न से उच्च श्रेणियों, ने लोअर टू हायर कैटेगरीज में व्यवस्थित या फिर अरेंज किया जाता है, तो ये होता है बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर। अल्फा के अंदर सिंपली क्या है कि यहाँ पे एक टैक्सोन की बात की जाती है। बीटा के अंदर क्या है, यहाँ पे टैक्सा की बात की जाती है, यानी कि कुछ टैक्सोन के बीच में, एक टैक्सोन हो गया, सेकंड टैक्सोन हो गया, थर्ड टैक्सोन हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर देखा जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप का आता है गामा टैक्सोनॉमी। इस स्टेज के अंदर अंतर विशिष्ट, अंतर और विकासवादी इतिहास, यानी इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि यहाँ पे जो स्पीसीज हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आ रही हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पे साइट्स की अगर हम बात करें, कि हमने बात की थी यहाँ पे अल्फा बीटा की, तो गामा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होगी, साइट ए है, ये साइट सी है, ये बी है, इनके बीच में इनके आपस में यहाँ पे किस टाइप का डिफरेंसेस है, यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तो ये देखा जाता है गामा टैक्सोनॉमी के अंदर। तो अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर सिर्फ एक स्पीसीज को देखा जाता है, फिर एक टैक्सोन को देखा जाता है।
और इसके बाद आती है नेक्स्ट बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर यहाँ पे देखा जाता है कि दूसरे स्पीसीज के साथ या फिर दूसरे टैक्सोन के साथ, ये टैक्सोन एक था, ये टैक्सोन दो है, इन टैक्सोन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एंड गामा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या देखा जाता है, यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेज एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, तो ये देखा जाता है यहाँ पे गामा टैक्सोनॉमी के अंदर। तो ये तीन 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 अलग अलग टाइप के लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी पाई जाती है। इसके अलावा टेक्सोनोमी, मेयर एंड स्लोक ने 1991 के अंदर टेक्सोनोमी को दो लेवल्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, तीन लेवल हमने पढ़ लिए हैं, अब ये दो लेवल कौन से हैं? ये दो लेवल है माइक्रो टेक्सोनोमी एंड मैक्रो टेक्सोनोमी। माइक्रो टेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है, केवल प्रजातियों से संबंधित समस्या, यानी कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीसीज माइक्रो लेवल पे होती है। माइक्रो लेवल यानी हम छोटी चीज की बात कर रहे हैं, एक छोटी टेक्सोनोमिक कैटेगरी या फिर टेक्सोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और स्पीसीज सबसे छोटी टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। तो स्पीसीज के अंदर यहाँ पे क्या है, स्पीसीज के बीच में उनकी जो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इस लेवल पे डील की जाती है। मैक्रो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होगा, जो हायर टैक्सा है उनकी समस्याओं या सिद्धांत, हायर टैक्सा क्या होंगे, जैसे जीनस हो गया, क्लास हो गई, उन सब के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उस सब के ऊपर यहाँ पे डील किया जाता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, प्रिंसिपल्स है, जैसे कि सब जीनस हो गया और इससे ऊपर, ठीक है, सब जीनस से ऊपर यहाँ पे इससे संबंधित ये मैक्रो टैक्सोनॉमी होती है। तो माइक्रो यानी कि ये छोटे लेवल की, यानी कि जो स्पीसीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मैक्रो यानी कि जो सब जीनस के ऊपर जो लेवल है उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है हायर टैक्सा से रिलेटेड, तो वो मैक्रो टैक्सोनॉमी में आती है। इसके अलावा ये जो मैक्रो टैक्सोनॉमी है ये फर्दर फिनेटिक्स, क्लेडिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो फिनेटिक्स है या फिर इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, और क्लेडिस्टिक को फाइलोजेनेटिक या फिर क्लेडिस्टिक फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स बोला जाता है। इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी नेक्स्ट यहाँ पे इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी होती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें वन बाय वन इनको हम देखें, तो सबसे फर्स्ट आते हैं फिनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यह एक सामान्य पूर्वज यानी कि कॉमन एंसेस्टर से इवोल्यूशन की बजाय समग्र विशेषताओं यानी ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जीवों को वर्गीकृत क्लासिफाई करने का एक प्रयास है। इसके अंदर क्या होता है, एक सामान्य कॉमन एंसिस्टर से इवोल्यूशन की बजाय, वैसे तो हम ये पढ़ते हैं कि एक कॉमन एंसिस्टर था हमारा, उससे इवोल्व होके हम आए हैं, हमारे अंदर अलग अलग अडेप्टेशन होती गई तब हम यहाँ ऐसे बने हैं। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो समग्र विशेषता यानी कि ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स है जीवों के, उनके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। फिनेटिक्स समानता और असमानता यानी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के आधार पर फाइलेटिक वंश या फिर फाइलेटिक लीनिएज ड्रॉ करने में मदद करता है। अब फिनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे, जैसे कि यहाँ से आया एक और इस यहाँ पे आके इनके अंदर कुछ डिसिमिलरिटीज आ गई तो ये अलग कर दिए, फिर यहाँ पे कुछ डिसिमिलरिटी पाई, तो ऐसे अलग अलग करके यहाँ पे ये एक फाइलेटिक लीनिएज बनाने में, एक फाइलेटिक रिलेशनशिप बनाने में, ड्रॉ करने में मदद करता है। फिनेटिक्स प्रिमिटिव या फिर प्लीजियोमॉर्फिक और जो व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड यानी कि एपोमॉर्फिक करेक्टर्स पर भरोसा नहीं करते हैं। प्लीजियोमॉर्फिक कौन से होते हैं, जो हमारे एंसिस्टर्स के करेक्टर हैं, प्रिमिटिव करेक्टर हैं, और डिराइव्ड यानी कि उनसे डिराइव होके जो करेक्टर आए हैं उन प्रिमिटिव करेक्टर्स से, जिनको एपिमॉर्फिक बोला जाता है, इनके ऊपर रिलाई नहीं करता है, इनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। ये सिर्फ देखता है कि समानता और असमानताओं के बीच के आधार पर ये क्या करता है, फाइलेटिक लीनियज बनाता है। अब यहाँ पे हमने जो दो टर्म्स की बात की है, एपोमॉर्फी एंड प्लीजियोमॉर्फी, तो एपोमॉर्फिक या फिर प्लीजियोमॉर्फिक, तो एपोमॉर्फी या फिर एपोमॉर्फिक क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड और डिराइव्ड यानी विशेष या फिर व्युत्पन्न कैरेक्टरिस्टिक स्टेट होती है।
हमारा एक एंसिस्टर था, उस एंसिस्टर से हमें एक करेक्टर डिराइव हुआ है, उससे डिराइव किया गया है कोई करेक्टर, कोई विशेष या फिर डिराइव करेक्टर है, वो एपोमोर्फिक होता है। प्लेजियोमोर्फिक क्या होता है कि ये जो करेक्टर था हमारा एंसिस्टर का, वो एज इट इज यहाँ पे भी है, आदिम या फिर पैतृक ट्रेट या फिर प्रिमिटिव और एंसिस्ट्रल ट्रेट। अब अगर हम इनको डायग्राम की हेल्प से समझें, ये जो यहाँ पे सर्कल है, ये आउटलाइन वाला, ये शो कर रहा है व्हाइट सर्कल, जिसको हम बोल सकते हैं डिराइव ट्रेट, एंड जो ब्लैक वाला है वो एंसिस्ट्रल ट्रेट शो कर रहा है। अब इसके अंदर, एपोमॉर्फी के अंदर, हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड और डिराइव्ड होता है। तो यहाँ पे ये एंसिस्टर था, और ये जाके इन्होंने ये करेक्टर क्या कर लिए, यहाँ पे ये करेक्टर यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं, और किससे डिराइव की है, एंसिस्ट्रल करेक्टर से डिराइव की है। तो जो स्पेशलाइज्ड और डिराइव्ड करेक्टर स्टेट होती है, उसको एपोमॉर्फी बोला जाता है। तो स्टेट को एपोमॉर्फी बोला जाएगा। सेकेंड स्टेट प्लीजियोमॉर्फिक, कि ये एंसिस्ट्रल करेक्टर जो है वो एज इट इज यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाता है, ये शो करता है प्लीजियोमॉर्फिक या फिर प्रिमिटिव या फिर एंसिस्ट्रल ट्रेट को। तो ये होते हैं एपोमॉर्फी और प्लेजियोमॉर्फी। इसके बाद सेकंड टाइप का आता है क्लेडिस्टिक या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक। तो क्लेडिस्टिक के अंदर क्या होता है, क्लेडिस्टिक शब्द का अर्थ टेक्सोनोमी से है, जिसके द्वारा जीवों को सामान्य वंश की पुनरावृत्ति। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो सामान्य वंश की पुनरावृत्ति है, यानी कि रिसेंसी ऑफ द कॉमन डिसेंट, एक कॉमन डिसेंट था, एक कॉमन, हम बोल सकते हैं कि एंसेस्टर था, उससे एक कॉमन डिसेंट यहाँ पे होके आया है, एक एंसेस्टर था उससे डिसेंट होके यहाँ पे कोई करेक्टर या फिर ट्रेट आई है। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे रिसेंसी हुई है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है एक कॉमन डिसेंट की। इसके अनुसार उनको रैंक या फिर क्लासीफाई किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पशु की श्रेणीबद्ध स्थिति, यानी कि कैटेरोलॉजिकल स्टेटस, फाइलोजेनेटिक ट्री के शाखाओं के बिंदुओं की स्थिति, यानी पोजीशंस जो होती है, ब्रांचिंग पॉइंट ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री पर निर्भर करती है। जैसे कि फाइलोजेनेटिक ट्री ये हो गया कि कॉमन एंसिस्टर था, इसे यहाँ पे कोई करेक्टर चेंज हुआ, ये ट्री ब्रांचेस निकल गई, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, ब्रांचेस निकल गई, ऐसे ये जो पॉइंट है, ब्रांचेस है, ये क्या शो करते हैं, यहाँ पे पोजिशन ऑफ द ब्रांचिंग पॉइंट ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री पर ये निर्भर करता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है क्लेडिस्टिक या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स का, ये जो ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं, जो पोजीशंस हैं ब्रांचिंग पॉइंट की, इस किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री की, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये सामान्य पूर्वज यानी कॉमन एंसिस्टर से उत्पन्न पूरी तरह से सांझा या फिर डिराइव्ड, जिसको सिनेपोमोर्फिक बोला जाता है, इसके वर्णों के आधारित ये टैक्सा होता है। ठीक है, क्लेडिस्टिक क्या होता है, ये एक तो हमने देखा कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर जो ब्रांचिंग पॉइंट की पोजिशंस हैं उनके आधार पर ही बनता है। सेकेंड यहाँ पे कि जो कॉमन एंसिस्टर है उससे उत्पन्न पूरी तरह से कोई ऐसा व्युत्पन्न डिराइव्ड, साझा, शेयर्ड किया हुआ, एंटायरली शेयर्ड या फिर डिराइव्ड सिनेपोमोर्फिक करेक्टर के आधार पर ही बनाया गया। जैसे कि यहाँ पे सिनेपोमोर्फिक के अंदर हम देखें, ये एक एंसिस्टर ट्रेट है और ये डिराइव ट्रेट है। तो ये एंसिस्टर ट्रेट से एक ट्रेट डिराइव कर ली गई है, जिसको सिनेपोमोर्फी यहाँ पे बोला गया है। एक एंसिस्ट्रल ट्रेट थी, उस एंसिस्ट्रल ट्रेट से एक ट्रेट यहाँ पे डिराइव की गई है, इसी को सिनेपोमोर्फी बोलते हैं। एंड इसी के बेसिस पे क्लेडिस्टिक या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये जो एंसिस्ट्रल करेक्टर है, इसकी रिसेंसी हुई है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। कैसे पुनरावृत्ति हुई है, ये यहाँ से एंसिस्ट्रल या फिर प्रिमिटिव करेक्टर से इसको डिराइव कर लिया गया है। यह जो होता है क्लेडिस्टिक या फिर फाइलोजेनेटिक, यह मोनोफाइलेटिक वंशावली यानी मोनोफाइलेटिक लिनिएज या फिर क्लेड्स की पहचान करने के लिए फाइलोजेनेटिक विश्लेषण यानी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की एक विधि होती है। जो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मोनोफाइलेटिक लिनिएज बनाई जाती है क्लेड्स की पहचान करने के लिए। तो ये जो क्लेडिस्टिक या फिर फाइलोजेनेटिक ट्रीज की हम हेल्प लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप को, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, एंड सिंगल यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या इंक्लूड किया जाता है, एक सिंगल ग्रुप होता है ये, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है
एक एंसिस्टर, और उस एंसिस्टर के जितने भी, ठीक है, एक एंसिस्टर एंड उस एंसिस्टर के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, एक एंसिस्टर और उसके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, वो सब क्या बनाते हैं, एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे हमने ये मान लिया कि ये एक डिसेंडेंट है, ये एक एंसिस्टर है, और इस एंसिस्टर से ये डिसेंडेंट ए बी सी, ये तीन डिसेंडेंट बने हैं, तो ये पूरा का पूरा ये क्या बन गया है, एक क्लेड बन गया। और ये कैसा क्लेड बना है, या फिर एक ग्रुप बन गया है, ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप बना है। या फिर हम यहाँ पे बात करें, ये हमने एक एंसिस्टर लिया, और इस एंसिस्टर से ये ए बी सी, फिर ये डी, और ये मान लिया ई, ये सारे निकल रहे हैं यहाँ पे, डिसेंडेंट्स हैं। तो इस सारे ग्रुप को भी क्या बोला जाएगा, एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बोला जाएगा। कि यहाँ पे एक एंसिस्टर और उसके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, एक एंसिस्टर साथ में उस एंसिस्टर के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, उस एंसिस्टर से जितने भी यहाँ पे लिनिएज बनी है, वो सारी मिला के एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनता है। जूलियन हक्सली ने 1958 में क्लैड शब्द का इस्तेमाल किया था, और कैन हैरिसन ने 1960 में क्लैडिस्टिक शब्द की शुरुआत की थी। ठीक है, 1958 के अंदर तो क्लैड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो जूलियन हक्सली ने किया था, बाद में 1960 के अंदर क्लैडिस्टिक शब्द की शुरुआत की गई। इसके बाद थर्ड टाइप का आता है मैक्रो टैक्सोनॉमी के अंदर, इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी। ठीक है, इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, या फिर इसको इवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, ये जो है, ये कंसेप्ट जो है डार्विनिज्म पर आधारित होता है। डार्विनिज्म क्या है, डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग कि एक हमारा कॉमन एंसिस्टर था, एक कॉमन एंसिस्टर से हम डिसेंट होके आए हैं, या फिर उससे हम इवोल्व होके आए हैं, और इवोल्व भी धीरे धीरे हम नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से हुए हैं, कि नेचर ने हमें सेलेक्ट किया है हमारे अलग अलग ट्रेड्स को, वैसे ही हम जो चीज़ यूज कर रहे थे, यूज एंड डिसयूज जो हमारे आए, उसके बेसिस पे हम ऐसे बन गए हैं। तो ये डार्विनिज्म था, ठीक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये जो इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी है, ये डार्विनिज्म के ऊपर आधारित होती है। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे प्रत्येक वैध टैक्सोन एक सामान्य पूर्वज, प्रत्येक वैध टैक्सोन, ठीक है, एक वैलिड टैक्सोन जो होता है, एक सामान्य पूर्वज से प्राप्त, यानी एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव होता है। ठीक है, यही डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग था कि हमारा एक कॉमन एंसिस्टर है, उससे हम बने हैं। तो यहाँ पे एक वैध टैक्सोन सामान्य, एक सामान्य पूर्वज से प्राप्त होता है, लेकिन जैविक दुनिया के क्षेत्र में जो इसकी सामान्य सामान्य विशेषताएं हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो हमेशा एक सामान्य वंश में शामिल नहीं होता है। जैसे जिस हिसाब से जिस भी एरिया के अंदर भी वो गया, रिलम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल वर्ड्स के, जो बायोलॉजिकल जैविक दुनिया के, तो वो अलग अलग क्षेत्र में गया, उस अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसने अलग अलग फीचर्स जो है वो अपना लिए वहां के। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे ऐसा तो होता है कि एक टैक्सोनिक वैलिड टैक्सोन जो है एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव होता है, लेकिन जो रेलम्स होते हैं, जो अलग अलग जैविक दुनिया के क्षेत्र होते हैं, रेलम्स ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, इसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, में हमेशा एक सामान्य वंश शामिल नहीं होता है, क्योंकि कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। एक अगर हम एक जैसे एक एरिया की बात कर रहे हैं, तो एक एरिया के अंदर कोई कहीं से भी आ सकता है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इनका एक कॉमन एंसिस्टर ही रहा होगा। अब इस क्षेत्र के अंदर, इस रेलम के अंदर, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड के रेलम के अंदर, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पीसीज, अलग अलग टाइप के प्राणी रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि ये एक कॉमन एंसिस्टर से बनते हैं, ये कॉमन एंसिस्टर से इनके अंदर शामिल नहीं होगा। इवोल्यूशनरी या फिर डार्विनियन क्लासिफिकेशन, डार्विनियन क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, डार्विनिज्म के बेसिस पे होते हैं, कि हमारा एक कॉमन एंसिस्टर है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हम उससे आए हैं। तो ये डार्विनियन क्लासिफिकेशन या फिर इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक ब्रांच होती है, जिसमें जीवों को फाइलोजेनेटिक संबंध, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और जो उनकी समग्र समानता के संयोजन, यानी कि जो फाइलोजेनेटिक
मैग्नेटिक रिलेशनशिप्स के बीच में कॉम्बिनेशन है एंड उनकी ओवरऑल सिमिलरिटीज है, इनका उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी डार्विनियन क्लासिफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये किस बेसिस पे होती है? ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उन जीवों के बीच में फाइलोजेनेटिक संबंध और ओवरऑल सिमिलरिटीज के बेसिस पे उनका उपयोग करके इनको क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद ये हमने देख लिया कि टैक्सोनॉमी के अंदर फिनेटिक्स, क्लेडिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा टैक्सोनॉमी जो है ये क्लासिकल एंड नियो टैक्सोनॉमी या फिर एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी हो सकती है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो सबसे पुराने रूप को क्लासिकल टैक्सोनॉमी या फिर रूढ़िवादी टैक्सोनॉमी या फिर ऑर्थोडॉक्स टैक्सोनॉमी को कहा जाता है, सबसे पुराने रूप को। यह मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि जेनिटिलिया, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, कैरियोटाइप, इनके सहित बाहरी विशेषताओं जैसे एक्सटर्नल फीचर्स से संबंधित होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, जेनिटिलिया जो होते हैं, एनाटॉमी जो होती है शरीर की जो रचना होती है इंटरनल, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान, इसके अलावा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, जो हमारा या फिर एक किसी भी इंडिविजुअल का जो कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम, वो कैरियोटाइप कहलाता है। और कैरियोटाइपिंग क्या होती है, कैरियोटाइपिंग एक ऐसी टेक्निक होती है, एक टेस्ट होता है जो कि एक सैंपल से, एक सेल के में से एक सैंपल लिया जाता है, उसके क्रोमोसोम्स को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए गए हैं, इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे लिए गए हैं। इसके आधार पर जानवरों और पौधों के डिस्क्रिप्शन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन से ये संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिकल टैक्सोनॉमी सबसे पुराना रूप होता है जिसको क्लासिकल या फिर ऑर्थोडॉक्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड कुछ एक्सटर्नल फीचर्स लिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आती है यहाँ पे नियो टैक्सोनॉमी और एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। यह एक टैक्सोन के आधार पर सामान्य जीन पूल के आधार पर आनुवंशिक रूप के अध्ययन से संबंधित है, जेनेटिकली स्टडीज बेस्ड ऑन अ कॉमन जीन पूल फॉर अ टैक्सोन। एक टैक्सोन के लिए जो कॉमन जीन पूल होता है उसके टैक्सोनॉमिक स्टडीज के ऊपर बेसिस होती है नियो टैक्सोनॉमी या फिर एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। जब दो अलग अलग टैक्सोन को अलग, यानी उनको अलग करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए सहायक होती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने एक टैक्सोन का जीन पूल लिया है और उसकी जेनेटिकल स्टडी की है। ऐसे हम सेकंड का भी कर सकते हैं एंड जो दो डिफरेंट टैक्सा है उनको अलग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस पे अलग कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी के लिए डेटा एकत्रित करने के लिए कुछ मॉडर्न प्रोसीजर्स लागू किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स, हेलिमेंट्स, आर्थ्रोपोड्स, इनवर्टिब्रेट्स, जैसे इनवर्टिब्रेट्स जीवों के विभिन्न समूहों में इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके इनकी जो संरचनाएं हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर स्टडी किया जाता है, जो कि मॉर्फ टैक्सोनॉमी में सहायक होते हैं। मॉर्फ मीन्स इनकी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, इनकी जो संरचनाएं हैं एक्सटर्नल, उनको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी जो है क्लासिकल एंड नियो टैक्सोनॉमी के बाद एक और टैक्सोनॉमी टाइप होते हैं बायोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल एंड साइटोकेमिकल, साइटोलॉजिकल। तो बायोकेमिकल क्या होता है, जैव रासायनिक वर्गीकरण, जिसके अंदर जो भी यहाँ पे बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं बॉडीज के अंदर, जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन्स विद पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड, शुगर्स, इन सभी के रासायनिक विश्लेषण किए जाते हैं और इन रासायनिक विश्लेषण से प्राप्त टैक्सोनॉमिक करेक्टर से संबंधित होता है बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। अब ये जो अलग अलग टाइप के हमने बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स लिए हैं, रासायनिक पदार्थ लिए हैं, इनका अध्ययन करने के लिए भी कुछ टाइप के प्रोसीजर्स, कुछ टाइप की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी,
कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स, जो कि इनके सिस्टमेटिक्स के अध्ययन में, यानी कि सिस्टमेटिक्स से मतलब ये होता है कि इनके जो आपस में रिलेशनशिप है, इनके अध्ययन में इनको लागू किया जाता है। तो वो जो अलग अलग हमने कंपाउंड्स की बात की थी, वो कंपाउंड्स हम बॉडी से अलग कैसे करेंगे? कुछ प्रक्रियाओं द्वारा, कुछ टेक्निक्स द्वारा अलग करेंगे, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स एंड मैनी मोर। इम्यूनोलॉजिकल डाटा जो मिलता है, इम्यूनोलॉजिकल डाटा का उपयोग दो अलग अलग टैक्सोन को अलग अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कबूतर हो गए, प्राइमेट्स हो गए, इनके वर्गीकरण के लिए ब्लड ग्रुप जीन्स लागू होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप जीन्स की हेल्प से इनको क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वन आती है साइटोलॉजिकल टैक्सोनोमी, या फिर इसको साइटोटैक्सोनोमी बोला जाता है। तो इसके अंदर साइटो वर्ड जो है ये सेल के लिए आता है, तो यहाँ पे सेल की स्टडी की जाती है। तो साइटोलॉजिकल अध्ययन से, साइटोलॉजिकल स्टडीज से जो टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स हैं उनसे ये संबंधित होती है, और यह जो है एक शाखा होती है जो स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के आधार पर इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने में, क्लासिफाई करने में, उनके बीच में संबंध देखने में हेल्प करती है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, ये कंडेंस्ड पार्ट होता है एक सेंट्रोमियर, सेंटर में यहाँ पे पाया जाता है क्रोमोसोम के। तो सेंट्रोमियर की स्थिति, गुणसूत्र संरचना, यानी सेंट्रो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि टैक्सोनॉमिक अध्ययन में मदद करता है। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सेंट्रोमियर की स्टडी की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर है टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है टैक्सोनॉमी के बारे में, लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में, अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमी, जैसे कि हमने डिस्कस किया अल्फा, बीटा, गामा टैक्सोनॉमी, माइक्रो टैक्सोनॉमी, मैक्रो टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, नियो टैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी एंड साइटो टैक्सोनॉमी। तो यहाँ तक हमने टैक्सोनॉमी के एक इंट्रोडक्शन लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं टैक्सोनॉमी के, अलग अलग टाइप के, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, नोमनक्लेचर होता है। तो ये सब जो है टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।